रेले सिस्टम मतलब आपका रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम की हम बात करेंगे आपके इस चैप्टर में, पूरा देखेंगे कि आपकी रिवर को वाटर सोर्सेज उसके पास क्या है, वाटर ड्रेन सोर्सेज क्या है, रिवर का कैचमेंट एरिया क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। रिवर सिस्टम की बात की तो आपके पास एक चीज आएगा रिवर बेसिन। रिवर बेसिन जिस टाइम आता है उस चीज को हम बोलते हैं रिवर का वॉटर प्रोवाइड, जिस जिस एरिया को करेगी वॉटर प्रोवाइड कर रही है, वॉटर डोनेटर है एक तरीके से, कि रिवर आपकी एक नाली है और वो डोनेट कर रही है अपना वॉटर, जिस जिस स्टेट को वो वॉटर डोनेट करेगी उस स्टेट को उनके नाम से उसका एरिया बोलेंगे कि उसका कैचमेंट एरिया है रिवर का बेसिन है। देन आपके पास क्या आएगा डिवाइडर, वॉटर डिवाइडर जिसको हम बोलते हैं, कभी कभी हम इसको शेडो भी बोलते हैं, वॉटर शेडो, वॉटर डिवाइडर या वॉटर शेडो। मीन्स क्या है, आपकी रिवर किसी माउंटेन से ऑरिजिनेट होगी, ऑरिजिनेट करते टाइम वो फ्लो कर रही है, लेकिन फ्लो करते टाइम रास्ते में उसको उसके रास्ते के उसके जांच के अंदर उसको क्या मिल गया, एक वॉटर डिवाइडर मिल गया। वॉटर डिवाइडर इतना पावरफुल वॉटर डिवाइडर है, उसने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो वो क्या चीज होगी, वॉटर डिवाइडर। मे भी वो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, मे भी वो उसको टू पार्ट में डिवाइड कर दे, टू स्ट्रीम्स उसकी हो जाए, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वॉटर डिवाइडर। देन हम बात कर रहे हैं, अब इसका सबसे पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा जो आपकी रिवर्स होती है, रिवर्स किसी पैटर्न पे काम करती है। कोई भी रिवर है वो किसी एक पैटर्न पे, मे बी टू पैटर्न पे, मे बी आपके थ्री पैटर्न पे वो काम कर सकती है, कोई भी रिवर है। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले रिवर पैटर्न की बात करेंगे। रिवर पैटर्न जब आपके पास होंगे तो आप फोर पैटर्न को स्टडी करते हो। फोर पैटर्न आपके पास होंगे, सबसे पहले हम देखते हैं डेंड्रेटिक पैटर्न। डेंड्रेटिक पैटर्न, डेंड्रेटिक साथ साथ अपनी कॉपी चेक करते रहो। डेंड्रेटिक पैटर्न में बात कर रहे हैं जिसका मतलब क्या होता है, ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। अब इसका मतलब क्या होगा कि एक आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ऐसी शेप रिवर की मिलेगी जिसमें आपको फील होगा वो ट्री और उसकी ब्रांचेस के जैसे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग में उसको ब्रांचेस ना बोल के रूट से ज्यादा रिलेट आपको करवाती हूँ। आप अपनी बुक्स को में जब भी चेक करते हैं तो रिवर्स आपको ऐसे फ्लो करते हुए दिखाई देगी, साथ में आपको कहीं से उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रिब्यूटरी इस तरीके का एक पैटर्न आपको आपकी बुक में ही आपके जब भी रिवर्स का मैप चेक करते हो तो ऐसा कुछ आपको दिखाई देता है। जिस टाइम ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, ऐसा पैटर्न दिखाई दिया, तो उस चीज को आपने बोल दिया डेंड्रेटिक पैटर्न। कैसा फील हो रहा है, जैसे ट्री और उसकी रूट्स है। साइंस में जब 6-7 क्लास में होंगे तो आप सीड से स्प्राउट्स जब उसके निकलते हैं तब आपने एग्जाम्पल करके देखा होगा, एक्टिविटी कुछ ऐसी की होगी तो वो ऐसी कोई शेप आपके पास आती है। तो हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली इधर ट्री एंड इट्स ब्रांचेस की बात करते हैं। जब आपका कोई भी रिवर ऐसा पैटर्न बनाती है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न की बात। यहाँ तक कोई डाउट है? सेकेंड आप देखोगे इसका सेकेंड नंबर पे जो आपके पास है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, अब हम लोगों को पता है रिवर को ओरिजिनेट होने के लिए सबसे पहले क्या नीड होती है, किसी माउंटेन की नीड होगी। क्लियर। अब यहाँ बात करते हैं, हम लोगों ने बचपन में आप लोगों ने पिक्चर ड्रॉ की होगी इस तरीके से माउंटेन की और माउंटेन के बीच में से कहीं से रिवर निकालो, ये पिक्चर सबने ड्रॉ की है। तो आपको इतना ही तो बात पता है कि रिवर जब भी ओरिजिनेट होगी किसी ना किसी माउंटेन से वो ओरिजिनेट हुई है। तो उसमें आपने क्या किया, जब भी आपकी रिवर किससे ओरिजिनेट होगी, किसी डोम शेप से होगी या बाउल शेप से ओरिजिनेट होगी, उस चीज को आप क्या बोलोगे, रेडियल पैटर्न। क्या लिखोगे, वेन रिवर ओरिजिनेट ओरिजिनेट फ्रॉम बाउल शेप एंड डोम शेप स्ट्रक्चर। अब आपका क्या होगा, पैटर्न होगा रेडियल पैटर्न। अब वो क्या होते हैं, बाउंड कैसा होगा, ऐसा माउंटेनियस रीजन पर जिस टाइम आप होंगे तो बाउंड क्या चीज होगी आपके पास, कोई लेक होगी, लेक का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो आप जब रिवर्स को किसी लेक से ओरिजिनेट किया तब आपने क्या बोल दिया, रेडियल पैटर्न पे आपकी रिवर ने काम किया।
अब हम लोगों ने कौन सी रिवर को किया था डायरेक्ट? इंडस रिवर को डायरेक्ट कर दिया, इंडस के साथ ब्रह्मपुत्र को डायरेक्ट कर दिया, साथ में सतलुज को भी डायरेक्ट किया। कहां से? डॉग शेप से। कौन सी लेक से डायरेक्ट हुआ? मानसरोवर लेक से। और आपकी वो मानसरोवर लेक कहां है? कैलाश मानसरोवर। ठीक है, ये सब कुछ किया तो आपने क्या कर दिया? रेडियल पैटर्न की बात कर रहे हैं, थर्ड पैटर्न हम लोग करते हैं। थर्ड पैटर्न आपके पास क्या होगा? थर्ड पैटर्न आपके पास क्या है बेटा? रेलिस पैटर्न। रेलिस पैटर्न, रेलिस पैटर्न की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है राइट एंगल। राइट एंगल, बट ये राइट एंगल आपका मैथ्स का 90 डिग्री का राइट एंगल नहीं है। तो यही है कि राइट एंगल होगा, रेलिस होगा तो क्या होता है? राइट एंगल होता है। लेकिन आप क्या बोल रहे हो? वो आपके मैथमेटिक्स का राइट एंगल नहीं है। तो मैथमेटिक्स का राइट एंगल क्या होगा? ये होगा 90 डिग्री। तो क्या कभी रिवर को ऐसे फ्लो करते देखा है? रिवर तो हमेशा ऐसे कर्व पे चल रही है, ऐसे ही चलती है, तो उसमें राइट एंगल। यहाँ राइट एंगल का मतलब क्या है? वेन अ रिवर मीट its tributary at fixed path and or fixed location known as trellis factor। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम कहां होता है? अलाहाबाद में। तो उसके लिए फिक्स लोकेशन उसने डिसाइड कर रखी है गंगा ने, कि अपनी छोटी बहन से कहां मिलना है उसको? बता रखा है ना इस चीज का? अलाहाबाद की बात कर रही है, यहाँ प्रयागराज की बात नहीं कर रहे उनके संगम के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग हो, अगर आप अपने स्कूल में जा रहे हो, बताऊंगी इसका मतलब भी। अगर आप अपने स्कूल जा रहे हो तो दोस्त हो, दोनों ने अपना फिक्स पाथ रेडी कर रखा है कि हम लोग इस पर्टिकुलर कॉर्नर से दोनों साथ में स्कूल जाएंगे, तो दोनों एक दूसरे के लिए वहां वेट करते हो। तो ऐसे ही रिवर्स का भी अपना एक पैटर्न है, जिसपे लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि यहाँ इनकी रिवर ना उससे आगे ना उससे पीछे, दोनों पे ही मर्ज होगी तो एक फिक्स लोकेशन पे मर्ज होगी, जिसको हम बोलते हैं ट्रेलिस पैटर्न पे रिवर्स ने काम किया। समझ आई बात? समझ आई? नेक्स्ट है आपके पास रेक्टेंगुलर पैटर्न। नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न, अब रेक्टेंगुलर आपको पता है कि कैसा होगा? यहां रिवर को क्या मिलेगा? एक वाटर डिवाइडर मिलेगा। कोई भी ऐसी रॉक, कोई हार्ड रॉक मिलेगी, कोई ऐसा माउंटेन मिलेगा जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब रिवर भी बहुत जीतती है, बहुत एडवेंट है, वो क्या करती है? उस वाटर डिवाइडर के पैरेलल पैरेलल मूव करना स्टार्ट कर देती है, पैरेलल पैरेलल फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। जब वो इस पैटर्न पे काम कर रही है, जब वो इस तरीके से फ्लो करती है, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया रेक्टेंगुलर